नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर टैरो का रीडर प्रियंका टंडन। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साल 2024 की प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रह गोचर की बात कर रहे हैं, कौन सा ग्रह आपको कौन सा रिजल्ट देने वाला है, कौन सा उपाय आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाला है, कौन सी चीज़ को करने से आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है, धन धान्य सौभाग्य आ सकता है, कैसे अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं, कि सभी चीज़ें आपकी लाइफ को रूल करती हैं। सारे प्लैनेट्स आपकी लाइफ को रूल करते हैं, आपकी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपकी लव लाइफ हो, आपके इमोशंस हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ में, आपके बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स हो, या बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है ग्रह नक्षत्रों के उपाय करने से, उनकी रेमेडीज करने से आपके जीवन के सारे सोल्यूशन जो है निकल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें कहते हैं ना कि भगवान की ब्लेसिंग मिली है कि एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर हम अपने जीवन को सरल बना लेते हैं। कैसे? हर एक नक्षत्र का उपाय सही ध्यान से करने से आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होती हैं। और ऐसे ही हम सारी राशियों के बारे में बता रहे हैं, साल 2024 की प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। कन्या राशि वालों, आपके लिए बात करते हैं। साल की शुरुआत में ही शनि महाराज का जो प्रभाव है आपके कुंडली में छठे भाव में रहने वाला है, जिसके कारण आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना सकता है। छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का होता है और यहाँ पर आपको रोग संबंधित कोई परेशानी जो है हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई नी प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कोई जॉइंट पेन हो जाए, या आपको कैल्शियम कम आए, या आपकी कोई मसल पेन हो, या कोई मसल पुल भी हो सकती है। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध यहाँ पर थोड़े से मुझे अनबैलेंस लग रहे हैं, अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छी खबर आपको सुनने को नहीं मिलेगी आपके रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप आपको मेनली डिस्टर्ब करेंगे साल 2024 में कन्या राशि वालों। हो सकता है कि आपके घर वाले ही आपके अगेंस्ट हो जाएं, हो सकता है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट ना करें, हो सकता है कि जब आप बीमार हो या परेशान हो तो कोई आपका साथ देने ना आए, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से अक्सर आपके रिश्ते आपसे रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि खुद पर ज़्यादा निर्भर रहें, कि आपको किसी को हेल्प के लिए बुलाना ना पड़े या बोलना ना पड़े कि प्लीज़ आइए मेरी हेल्प कर दीजिए। ये बहुत ही एक एडवाइस है कन्या राशि वालों आपके लिए। आपके प्रेम संबंध की बात करते हैं, आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं। इस वर्ष में कन्या राशि वालों, आपकी प्रेम में सफलता मिलेगी, लेकिन बीच में कई बाधाएं भी मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। साल की शुरुआत में बात करें तो आपकी लव लाइफ मध्यम रहने वाली है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हम नहीं देख सकते हैं। आपके पार्टनर से खुद भी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी अपने आप पर निर्भर रहना पड़े। आप काम में कुछ ज़्यादा मुझे उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। परिवार को आप कम समय देंगे, ऐसा आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, जिसके वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। पूरे वर्ष केतु जो है आपके पार्टनरशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी बिजनेस में भी, आपके लव लाइफ में भी, आपकी रिलेशनशिप में भी, आपके फैमिली वालों के साथ भी। केतु भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब यहाँ पे करेगा। साथ ही में अगर हम बात करें आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर, रिलेशनशिप केतु डिस्टर्ब करने की वजह से आपकी रिलेशनशिप आपके लिए ऑपोजिट बिहेव करेंगे। हो सकता है कि जैसा आपने उम्मीद लगाई हो वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो। यदि आप शादी की सोच रहे हैं तो विवाह के योग के संभव बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि आपकी विवाह हो जाएगा साल 2024 में कन्या राशि वालों। अगर आप अब तक अनमैरिड थे, आप रिश्ता ढूंढ रहे, तो 2024 में विवाह के जो रास्ते हैं, वो ब्लॉकेजेस जो है वो आपके लिए ओपन हो रही हैं, वो सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। बात करूं यहाँ पर आपके करियर के बारे में, आपके छठे भाव में शनि महाराज पूर्ण रूप से बैठे हुए हैं और वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल जो हैं उनका प्रभाव आपके करियर में अच्छी स्थितियों को रिजल्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि निर्णय लेने में आपको बहुत मददगार हो, हो सकता है आप मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करें, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी नौकरी को लेकर जो परेशान थे वो परेशानी आपकी दूर हो जाए। आपकी जो जीवन में शनिदेव की कृपा है वो ज़रूर बनेगी और पक्की नौकरी यहाँ पर मुझे आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मार्च और अप्रैल के बीच में जो मंगल छठे भाव में शनि के साथ रहेगा ना, वो नौकरी के साथ साथ आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। हो सकता है मानसिक परेशानी बढ़ जाए, हो सकता है कि टेंशन आपको ज़्यादा हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, रोज़ योगा करें, बहुत अच्छा रहेगा। और दिन में 3 बार कम से कम कोशिश करें कि 2-2 मिनट के लिए आप मौन धारण करें, कम बोलें और ओम का उच्चारण करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पर पारिवारिक जीवन की आपकी बात करूँ तो पारिवारिक जीवन की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं आपके लिए, लेकिन बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा सुनी किसी प्रकार की होती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। माता की स्वास्थ्य को लेकर खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपकी माता का स्वास्थ्य जो है बिगड़ सकता है, हो सकता है कि आपके माता का स्वास्थ्य अभी भी खराब चल रहा हो। यदि आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसे इग्नोर करते हैं तो किसी बड़ी परेशानी को
आपको झेलना पड़ सकता है। कोशिश करें कि अपने जो भी अवश्य कार्य हैं, जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं, उनको साल की शुरुआत में ही निपटा लें। किसी भी चीज़ को डिले पे ना डालें। अगर आप डिले पे डालते हैं तो आपकी चीज़ें जो हैं वो डिले होती जाएंगे, जो कार्य आपको करने हैं वो कार्य आपके सही से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी मार्च और अप्रैल से धन का जो योग है वो काफ़ी अच्छा मुझे आपके लिए बनता नजर आ रहा है। यदि आपको ब्लॉकेज थी, आप परेशान थे, फाइनेंशियली परेशान थे, आपको लग रहा था कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा रुका हुआ है, काम तो कर रहा हूँ पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, नहीं कमा पा रही हूँ, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई शुरुआत करना चाहते हैं, अप्रैल से पहले किसी भी काम की शुरुआत ना करें, कोई नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अप्रैल तक वेट करें, उसके बाद ही कोई काम जो है आपका अच्छा सिद्ध मुझे होता हुआ साबित नज़र आ रहा है। क्या करना है, छोटी छोटी कंजकों को बुधवार के दिन मीठी एक टॉफ़ी छोटी सी एक देने की कोशिश करें, या 10 रुपये का एक नोट अगर आप देते हैं या कोई उपहार आप कंजकों को देते हैं तो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा, आपके भाग्य में आ रही रुकावटें जो है उससे दूर होती हैं। ये थी आपकी सारी प्रिडिक्शन जहाँ मैंने आपको बताया आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में और आपकी सारी डिटेल्स के बारे में कि साल 2024 में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मौन धारण करना कन्या राशि वालों आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रेडिक्शन पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमें फॉलो करें फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें, अपनी कुंडली के बारे में डिस्कस करें डिटेल में। जय माँ काली।